उत्तर प्रदेश के 52 जिलों से लगभग 55,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो कि अन्य अन्य पदों पर अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 55,000 से अधिक कर्मचारी 52 जिलों के जिला चिकित्सालय में तैनात थे, परंतु जब कंपनी द्वारा एक फरमान सोशल जारी हुआ, कंपनी TNM के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त की जाती है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के 55,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मानो पहाड़ सा टूट गया। आखिर रोजगार से जुड़े लोगों को क्यों बेरोजगार किया गया? PM कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस वर्ष सरकार से उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। अब सोचने की बात है कि ये 55,000 स्वास्थ्य कर्मचारी क्या करेंगे और उनके परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। सरकार एक तरफ रोजगार देने के वादे पर वादे कर रही है, दूसरी तरफ रोजगारों से रोजगार छीनकर बेरोजगार बनाने में लगी हुई है। रामपुर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमियां अस्पताल को पहले से ही खल रही हैं। एक बार फिर बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई, तो क्या तीमारदारों को ठीक से इलाज हो पाएगा? आप जिला अस्पताल के मालिक बने बैठे हो भैया, यहाँ पे पागल नहीं है, 78 कर्मचारी काम कर रहे हैं सर आपके अंडर में। आप हाथ नचा रहे हो वहाँ पर सर, अब सेंट तो बड़ी जल्दी डाल दो, अब सेंट क्यों डालते हो हमारी? CMS का काम नहीं होता, डीजे पर जाए बाबू का काम होता। वीडियो बनाओ तुम लोग यार, वीडियो बन रही है। हमारी कोई ऐसे बात करने से कोई समस्या नहीं, ऐसा समस्या नहीं अधिकारी हमारी तो उसी हिसाब से बात करो, जो कायदे की बात है बात करो। अब तो बस हमारी तो हर बात कहने से पहले सर लगा रहे हैं, इसमें बेकायदा कौन सा है? कायदे से ही तो कह रहे हैं सर, तो कायदे से ही कहा जाता है। बेकायदा कौन सा है इसमें? हमने कुछ गलत लिखा हो तो बात है। हेलो, आप लिखिए बिल्कुल। तो इसका मतलब हम यहाँ काम ही नहीं कर रहे जिला चिकित्सालय में? हम किसी को नहीं, हमने अवगत है पहले से, हमें अवगत कि आ गया। ठीक है, आपको अवगत था, आप इसमें साइन और मोहर लगाइए। आपको अवगत था ना, हो जाएगा जो भी होना। मैं अकेले नहीं बोल रही, मेरे पीछे पूरा TNM खड़ा है, पूरा TNM खड़ा है मेरे पीछे, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा TNM लेके आई हूँ साहब। निकलेगा तो सारा स्टाफ निकलेगा, नहीं तो कोई नहीं निकलेगा। कोई नहीं निकल रहा है, आप इसे रखो TNM वाले को जी। यहाँ जिला अस्पताल में आप किस पद पर चला? मैं जिला अस्पताल में एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर रहा हूँ, और पिछले 2 नवंबर 2015 से TNM जो एक कंसल्टेंसी है उसके थ्रू कर्मचारी काम कर रहे हैं, 78 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको कल शाम को 7 बजे के आसपास उनकी मेल आईडी पे निरस्तीकरण का लेटर इशू कर दिया गया। 2015 का अगर पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देखें तो अस्पताल की क्या हालत थी वो सब जानते हैं, और 2015 से लेकर अब तक अस्पताल में कितना सुधार आया है वो सब TNM कर्मचारियों की वजह से। हमारा सिर्फ जो पूछना है वो सिर्फ इतना है कि बिना किसी आदेश के या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम लोगों को तुरंत एक पल में निरस्तीकरण का लेटर भेज देना, क्या ये जायज़ है? हमने अपने मेट्रन को एक अवगत की एप्लीकेशन दी, मेट्रन ने रिसीव करी, मैनेजर साहब ने रिसीव करी, मगर जब हम CMS के पास लेके पहुंचे तो CMS ने मेरी एप्लीकेशन उठा के फेंक दी कि इसमें मैं क्या करूँगा और मेरा कोई रोल नहीं है। फिर हम CMO साहब के पास गए, DM साहब के पास गए, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार 9 बजे तक आपको सब चीज़ों का संज्ञान में डाल दिया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग भी पूरा जो कर्मचारी यूनियन है अपनी, हम भी उनको ये पूरा तैयार हैं, और सोमवार सुबह 9 बजे तक अगर हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग 12-1 बजे तक लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। नहीं, आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी है अचानक से, तो क्या करेंगे अब आप इसको धरने प्रदर्शन के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी तो इस टाइम पे ऐसे मूवमेंट पे आ गए कि जहाँ पर इलेक्शन सर पर हैं और इतना बड़ा डिसीज़न अगर गवर्नमेंट लेती है तो गलत है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आशा की किरण ये दिख रही है कि इतना बड़ा कदम कोई भी गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, क्योंकि 55 जिलों में 55,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़ा डिसीज़न है, ये इतना बड़ा डिसीज़न कोई नहीं ले पाएगा।